हाय गाइस, इज नीतू चंद्रा, यू वाचिंग मी ऑन एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग। यूपी के नए डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल ने पदभार संभाल लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। उन्होंने साफ किया कि राज्य में क्राइम को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मुकुल गोयल ने ये भी कहा कि पुलिस कर्मियों को जनता से जुड़कर उनसे दूरी कम करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि क्राइम कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। नए डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि सभी अधिकारियों को फील्ड में रहना चाहिए और सभी पुलिस कर्मियों का काम देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पुलिस कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाए जाने की जरूरत है। मुकुल गोयल ने कहा कि टेक्नोलॉजी का समावेश आज के समय में बहुत ही जरूरी है, इसकी मदद से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। बिकरू कांड पर नए डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि मामले को अगर ठीक से हैंडल किया गया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकता था। वहीं अवैध धर्मांतरण पर उन्होंने कहा कि मामले से जुड़ी सभी जानकारियां वह ले रहे हैं, जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ अमन यतन वर्मा। हेलो, आई एम रितु सिंह। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओब्रॉय। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। हाय, दिस इज संचिता बनर्जी। Expose India, keep watching.